नीतीश कुमार को कोई जानता भी नहीं है आज के डेट में, वो तो मुख्यमंत्री है, बिहार के विनाश पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 100% फायदा होगा बिहार में चिराग को आने से, वो नाम है चिराग, लाल है चिराग, बिहार के भविष्य है चिराग, बिहार के भावी मुख्यमंत्री है चिराग। अरे हम किस जाति से हैं? हम शेर के जाति से हैं, जिस जाति को सब आदमी जानता है। बिहार की राजनीति में जातीय फैक्टर मायने रखता है। जाति फाटी जो तो भीख मांगता है, देखिए हुआ चना जोर गरम। जाति फाटी जो तो भीख मांगता है, देखिए हुआ चना जोर गरम। नीतीश तो तैयार यही किए कि दूल्हा बना दिए राहुल गांधी को, तो नीतीश कुमार कहाँ रह गए? चिराग पासवान ही मांग है, पशुपति कुमार पारस में कोई जान नहीं है। हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री घोषित किया जाए बिहार, जिसके साथ हाथी हो तो मजबूत होवे करेगा, और एनडीए को पहले ही दे देना चाहिए था, वो तो लेट कर रहा है। देखिए एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, और चिराग पासवान के जैसा चेहरा कोई बिहार में अभी है भी नहीं। वो सर्व जातीय नेता है, सभी जात के नेता है, कभी उनको देखे हैं किसी जात पर बोलते हुए? और शेर का बेटा शेर होता है, अकेले दम पर आगे बढ़कर और फिर से खड़ा कर दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं आपके साथ चंद्रमोहन। चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लेकर बिहार में सियासी पारा चरम पर है। लगातार बीजेपी की ओर से चिराग पासवान से संपर्क किया जा रहा है, एनडीए गठबंधन में उन्हें शामिल कराने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर आज हम पटना की सड़कों पर उतरे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी चिराग पासवान को इतना अहमियत क्यों दे रही है, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कितनी अहमियत रखते हैं, ये जानने के लिए हम निकले हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं, ये तमाम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं और राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं। सर, चिराग पासवान को बीजेपी इतनी क्यों अहमियत दे रही है? चिराग पासवान को बीजेपी इसलिए अहमियत दे रही है कि समय की मांग है। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस जो हैं, एक तो बूढ़ा शेर हैं और उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन वो तो चिराग पासवान को ही घेर रहे हैं। चिराग पासवान को घेर रहे हैं, लेकिन आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस का कभी कोई जनाधार नहीं रहा। आपको याद होगा कि राजू तिवारी और एक शाह MLA थे, उसके बावजूद रामविलास पासवान इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके MLC बनवा के मंत्री बनवाए, इन दोनों आदमी को मंत्री नहीं बनवाए। इसलिए चिराग पासवान ही मांग है, पशुपति कुमार पारस में कोई जान नहीं है। वो अपना भाव बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए चिराग पासवान को घेरते हैं, यही सच्चाई। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चिराग के पास कोई जनाधार नहीं है, उनके कहने से क्या होगा? आप देख रहे हैं पूरे बिहार में जहाँ जहाँ चिराग पासवान जा रहे हैं उनकी सभा में कैसी भीड़ लग रही है। चिराग के आने से NDA कितना मजबूत होगा? यंग जनरेशन जितना भी है बिहार में, उन लोग सब चिराग के साथ रहेंगे, और हम तो कहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए बिहार के। इतने अच्छे नेता हैं, इतने अच्छे हैं, और खास करके सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, यंग जनरेशन सभी को लेकर चलने। चिराग को बीजेपी इतनी अहमियत क्यों दे रही है? अहमियत उसी को मिलती है जिसको ताकत होता है, जिसके साथ जनता होती है, जो योग्य होता है, जो शिक्षित होता है, जिसमें संस्कार होता है। ये सब चिराग पासवान में आप देख रहे होंगे, पत्रकार हैं, किस तरह से जनता उसको समर्थन दे रही है, उनके बोलने की शैली को देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके गार्जियन अरुण बाबू साथ में हैं, तो जिसके साथ हाथी हो तो मजबूत होवे करेगा, और एनडीए को पहले ही दे देना चाहिए था, वो तो लेट कर रहा है, पहले ही उनको मंत्री बना देना चाहिए था, और नहीं बनाएगा तो उसकी एक बहुत बड़ी भूल होगी। NDA में चिराग पासवान के शामिल होने से NDA कितना मजबूत होगा? देखिए NDA के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, और चिराग पासवान के जैसा चेहरा कोई बिहार में अभी है भी नहीं। और जो चेहरा है विपक्ष के पास, चेहरा है तेजस्वी यादव है, तो उनके पास योग्यता नहीं है। चिराग पासवान के पास हर तरह की योग्यता है, बढ़िया वक्ता है, और चिराग पासवान ही बिहार के भविष्य हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य हैं, और चिराग पासवान ही है बिहार से लेकर दिल्ली तक युवाओं के लिए की बातों को रख सकते हैं। तेजस्वी यादव नहीं रख सकते हैं, मुकेश सहनी नहीं रख सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान रख सकते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव यानी पूरे महागठबंधन को चिराग क्या टक्कर दे सकते हैं?
चिराग में अकेले दम है, चिराग किसी जात का नेता नहीं है। लोग कहते हैं कि 5% पासवान का वोट है उनके पास, हम तो कहते हैं कि उनके पास बहुत सारा वोट है। उनके पास पासवानी का वोट नहीं है, वो सर्व जातीय नेता है, सभी जात के नेता है। कभी उनको देखे हैं किसी जात पर बोलते हुए? किसी पर नहीं, सबको लेकर चलते हैं। सबको लेकर चलने वाला ही बिहार को आगे बढ़ाएगा, बिहार के लिए कुछ करेगा। लेकिन उनके चाचा ही कहते हैं कि वो उनके पास जनाधार नहीं है। देखिए चाचा के पास खुद जनाधार नहीं है, चाचा तो टिकट के लिए इधर उधर कर रहा है। उनको मिलेगा टिकट, मंत्री बनेंगे, मंत्री पद अभी रहेगा कि नहीं रहेगा 6 महीना साल भर, उसमें भी आफत है उनका। उनका क्या होगा वो तो भाग का बात है, आगे का बात है क्या होने वाला है उनका, उनके भाग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन वो जो करना था कर दिए, वो तो ऐसा काम किए हैं कि अपने भतीजा को, भाई जो भाई उनको बनाया उसी भाई के बेटा को उन्होंने बाहर निकाल दिया। चिराग पासवान ने फिर भी घबराया नहीं, और शेर का बेटा शेर होता है, अकेले दम पर आगे बढ़कर और फिर से खड़ा कर दिया अपना पार्टी। बिहार की राजनीति में चिराग का क्या कद है? चिराग इसलिए जरूरत है कि युवा की, बिहार में युवा की जरूरत है, और युवा ही आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में बीजेपी में कोई युवा वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है कि जो चिराग पासवान टक्कर ले, और गरीब गुरबा का बेटा है और बेहतर उसको मंत्री मिलना चाहिए, और सभी वर्ग का उनके साथ आशीर्वाद उनका लगा। बीजेपी क्यों अहमियत दे रही है चिराग पासवान को? बीजेपी चिराग पासवान को इसलिए अहमियत बीजेपी दे रही है कि बिहार में कोई विकल्प नहीं है, बिहार का भविष्य है चिराग। बिहार में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार को कोई जानता भी नहीं है आज के डेट में, वो तो मुख्यमंत्री है, वो तो विनाश पुरुष है, वो बिहार के विनाश पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और भविष्य के भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के चिराग पासवान। इसीलिए अहमियत दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को, हो सकता है केंद्रीय मंत्री में भी मिले, बहुत पहले मिलना चाहिए था। अब बार बार सब आदमी से पूछे जनाधार जनाधार, उसका जनाधार नहीं तो बिहार में है किसका जनाधार? तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का। कहीं किसी भाषा पर देखे हैं किसी संगोष्ठी में 10 आदमी एजुकेटेड आदमी उसके साथ में हो? जिस आदमी बहुत में एकदम प्रकांड विद्वान बिहार के शेर अरुण बाबू जिसके साथ में हो, वो चिराग पासवान बिहार के लाल है, भविष्य है, बिहार का भविष्य का मुख्यमंत्री है। लेकिन उनके चाचा ही कह रहे हैं कि उनके पास जनाधार नहीं है। तो है चाचा, कोई जानता है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर जान रहा था। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, पता ही तो चिराग पासवान के बारे में बसपति मंत्री बन गए इसलिए लोग जान गया है। कहीं है जनाधार किसी भी जगह? दोनों जगह खड़ा कर दीजिए तो फायदा कितना होगा? 100% फायदा होगा बिहार में चिराग को आने से। वो नाम है चिराग, लाल है चिराग, बिहार के भविष्य है चिराग, बिहार के भावी मुख्यमंत्री है चिराग, हम तो अब युवकों का साथी है चिराग, चिराग चिराग है। चिराग के आने से बिहार का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, वो हर समाज को लेकर चलने वाला चिराग है। यही नीतीश कुमार की तरह नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि दलित नेता है। कौन दलित नेता है? चिराग पासवान। ये सबका नेता है, लोग कहते हैं बेकूफ बनाते हैं, पब्लिक को कोई काम धाम तो है नहीं, आप लोग पत्रकार को उल्टा सीधा करते रहते हैं क्या? आप किस जाति से? अरे हम किस जाति से हैं? हम शेर के जाति से हैं, जिस जाति को सब आदमी जानता है, इंडियन है। आप चिराग पासवान की बड़ाई इंडियन है, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं या पूछा जाता है? बिहार की राजनीति में जातीय फैक्टर मायने रखता है। जाति फाटी जो तो भीख मांगता है, देखिए वह चना जोर गरम और कुछ है? जो जाति से उठ करके काम कर रहा है वो अच्छे जीवन यापन कर रहा है चिराग पासवान के साथ, पूरा बिहार है, पूरा नवयुवक वर्ग है, हर समाज के लोग हैं। आने वाले समय में हर चीज़ देखने सुनने को मिलेगा। बिहार में असली टक्कर एक चिराग पासवान ही है जो नीतीश कुमार को दे सकते हैं, वरना कोई है नहीं। नीतीश कुमार को टक्कर दे पाएंगे चिराग पासवान? नीतीश कुमार तो रेसी में नहीं है, पहले ही बाहर हो चुके हैं, बचे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी अब काम खत्म है उनका, क्योंकि जो उनका जनाधार आ रहा था, थोड़ा बहुत जनाधार है उनका, तो वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वो अपने पलटू चाचा के पास जाके बैठ गए हैं, गोदी में बैठ गए हैं, काम तमाम है। अब देखते हैं, आजकल देखते होंगे आप, आपको पता होगा, नीतीश कुमार की भाषा में आपको बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, आपको पता होगा तेजस्वी यादव पीछे खड़ा रहते हैं, नीतीश कुमार आगे खड़ा रहते हैं, उनको आगे जाने दिया जाता है नहीं जाने दिया जाता है? तो ये सब नीतीश कुमार का स्टाइल है, इस स्टाइल में फंस गए, आके फंस गए तो काम खत्म है। अब किसका है? इंडिया आने वाला है इस बार बिहार में, और 40 में 40 सीट जीतेगा। चिराग पासवान आ गए हैं, चिराग पासवान जी के आने से एनडीए बहुत मजबूत हो गया। क्या चिराग के आने से एनडीए वास्तव में मजबूत हो गया? निश्चित रूप से मजबूत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय है क्या?
आप पूछ रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो आपको हम बताना चाहते हैं, अभी महागठबंधन का मीटिंग हुआ तो नीतीश कुमार गए थे कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ महागठबंधन में किसको वैल्यू, ममता बनर्जी आई तो लालू यादव को वैल्यू दी, लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब एक साथ बैठकर विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए, रणनीति तैयार की है। तो रणनीति तो तैयार यही की है कि दूल्हा बना दिए राहुल गांधी को, तो नीतीश कुमार कहाँ रह गए? अभी देख ही रहे हैं के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवस्था कैसे चलता है, ऑफिसर का पोस्टिंग कौन करता है, मंत्री कौन बनाता है। तो अभी तत्कालीन उदाहरण है चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर को मंत्री कौन बनाया? नीतीश कुमार। के पाठक को पोस्टिंग कौन किया? नीतीश कुमार। तो मान लीजिए अगर व्यवस्था गड़बड़ होता है तो उसका श्रेय किसके पास जाएगा? तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर ये बुद्धिजीवियों की अपनी सोच है, ये तमाम लोग राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, इनका मानना है कि चिराग पासवान के आने से एनडीए काफ़ी मजबूत हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी होगा। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान के आने से एनडीए को कितना फायदा होता है। बहरहाल चिराग पासवान को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्म है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।